ये है हमारी मथुरा यात्रा का एपिसोड 2 और इस भाग में आप देखेंगे प्रेम मंदिर, राधा मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, वृंदावन के सुंदर रास्ते और चौबारे, श्रृंगार की दुकानें आदि। अब हम कांच के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यह मंदिर भी काफी सुंदर और विशाल है। ठीक इसी मंदिर के बगल में आप 10 रुपए का टिकट खरीदकर श्री कृष्ण की सुंदर झांकियों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अतीव रमणीय चित्रण है। इन सभी झांकियों को कांच की दीवार से सुरक्षित किया गया है। इसके पश्चात हम फिर से अपने सफर में आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में चित्रित सुंदर चित्र हमें काफी आकर्षित कर रहे थे। सड़कें काफी स्वच्छ थी और बारिश ने इन सड़कों की सुंदरता और बढ़ा दी थी। रास्ते में कई आश्रम और छोटे छोटे मंदिर स्थित थे। हम पैदल चलकर ही इस यात्रा का आनंद उठा रहे थे। अब हम काली देह पर पहुंच चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस कालिया नाग का वध किया था उसी का सुंदर चित्रण यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मंदिर परिसर में कई सौ साल पुराना वृक्ष भी स्थित है। इसी वृक्ष पर अमृत की बूंदें भी गिरी थी। श्रद्धालुओं ने इस पर कई धागे बांध रखे थे। यह पूरा दृश्य काफी मनमोहक था। इस मंदिर से थोड़ा दूर एक सुंदर बावड़ी भी हमें देखने को मिली जिसमें छोटी छोटी छतरियां स्थित थी और सामने दीवार पर राधा कृष्ण के झूला झूलते हुए एक विशाल चित्र अंकित था। कुछ मीटर और चलते ही हमें एक और अति सुंदर और विशाल मंदिर देखने को मिला। पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई थी। प्राचीन स्थापत्य कला का यह मंदिर एक बेजोड़ उदाहरण था। दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ पर कुछ तस्वीरें क्लिक की। मंदिर प्रांगण से नीचे सड़क का नजारा स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ से सारे नजारे बेहद खूबसूरत थे। आखिरकार हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो आ ही गई। हम बांके बिहारी जी मंदिर के बेहद समीप थे। श्रद्धालु आ और जा रहे थे। यहाँ सुंदर गलियां और दुकानें हमें और ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। रास्ते में पूजा सामग्री, प्रसाद एवं अन्य वस्तुओं की कई सारे दुकानें स्थित थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी। मंदिर परिसर में खचाखच भीड़ थी और हम मंदिर के अंदर गए और बांके बिहारी जी के दर्शन किए।
अंदर के वातावरण को देखकर हम काफी प्रफुल्लित हुए और हमें अब यह पता चल गया था कि आखिर क्यों इस मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है। मंदिर से बाहर निकलते ही हमने स्थानीय दुकानों से कुछ खरीदारी भी की। अब हम इस्कॉन टेंपल की ओर निकल पड़े। इसे अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अंग्रेज इस मंदिर में सेवा पूजा एवं भक्ति साधना करते हैं। यह मंदिर भी हमें काफी बेहतरीन लगा। सौभाग्य से हम आरती के समय इस मंदिर पर पहुंचे और भजन संध्या का लुत्फ उठाया। इसके पश्चात इस कड़ी में जो हमारा आखिरी मंदिर था वह था प्रेम मंदिर। इस मंदिर को दिन की अपेक्षा शाम अथवा रात्रि में देखना और अधिक आनंददायक लगता है। रात्रि में इसकी लाइटिंग देखने लायक होती है। अगर आप इस समय इस मंदिर को देखने जा रहे हैं तो रात्रि 8 बजे से पहले इस मंदिर में पहुंच जाए, अन्यथा यह मंदिर बंद हो सकता है। सौभाग्य से मंदिर बंद होने के कुछ मिनट पहले ही हम मंदिर पहुंचे और हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसी प्रांगण में आप सुंदर झांकियां भी देख सकते हैं। अगले भाग में आप वैष्णो देवी मंदिर और गोवर्धन यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।